Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. This is Vishal Masi and welcome back to my channel Economic Sides. And today we'll talk about the very important issue and very hot issue that why petrol prices are on rise. कि आखिरकार इंडिया में जो फ्यूल प्राइसेस हैं, फ्यूल के जो प्राइसेस इतने हाइक क्यों कर रहे हैं या इतने बढ़ क्यों रहे हैं. देखिए, ये आपका टॉपिक जो रिलेट करता है, एक तो आपका इंडियन इकोनॉमी से रिलेट करता है और दूसरी बात है ये रिलेट करता है आपकी इंडियन पॉलिटी से. जब भी देखा होगा आपने कि जब फ्यूल के प्राइसेस हाइक होते हैं तो खूब सारे आपको मीम्स देखने को मिलते हैं. एंड सेकेंडली, जो ओपोजिशन पार्टीज होती हैं वो केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करती है. तो इसके टेक्निकल रीजंस क्या हैं, क्यों ये पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं और बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए. देखिए, सबसे पहले आपको इसके बारे में ये पता होना चाहिए कि कौन सी जो टॉप ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं. तो मैंने टॉप फाइव आपको कंट्रीज बताता हूँ. सबसे पहले आपका यूएसए, दैट इज 19% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड. ठीक है, दूसरा आपका सऊदी अरेबिया, दैट अकाउंट्स फॉर 12%, रशिया दैट इज 11%, कैनेडा दैट इज 5%, एंड चाइना दैट इज 4-5%. तो ये जो है टॉप फाइव आपकी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए. इसके अलावा आपको एक और ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी, दैट इज अ ओपेक. ओके, इसके बारे आपने कई बार सुना होगा. ये सिंपली एक 13 कंट्रीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है. कंट्रीज के नाम यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप. ये फाउंड हुआ था 1960 में बगदाद इराक में. इसका हेडक्वार्टर आपको देखने का मिलेगा वियना ऑस्ट्रिया में. अब ये करती क्या है, कंट्री से टाइम टू टाइम मीट करती हैं और दे कंट्रोल द सप्लाई. ये क्या करती है, वर्ल्ड में जो ऑयल की सप्लाई है इसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, इसको रेगुलेट करती है. अब ऐसा होगा कि जब ये सप्लाई कम रखेंगे तो ऑब्वियसली बात है डिमांड तो मार्केट में हाई रहती है, उसकी वजह से क्या होगा, आपको प्राइस हाई चला जाएगा. इसको आपको प्राइस हाई देखने को मिलेगा. जो इंटरनेशनल प्राइस है क्रूड ऑयल का वो बहुत ऊपर चला जाएगा. उसकी वजह से एक तरह की मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. उसकी वजह से उनको क्या मिलता है, एक हाई प्रॉफिट उनको देखने को मिलता है एंड दे अर्न अ ह्यूज प्रॉफिट आउट ऑफ इट. तो ओपेक कंट्रीज का बेसिकली यही पर्पस होता है कि जो क्रूड ऑयल की या बेसिकली जो फ्यूल के सप्लाई है उसको रेगुलेट किया जाए या उसे कंट्रोल किया जाए. अब बात करें इंडिया की. देखिए, इंडिया को आप इंडिया के बारे आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए. सबसे पहले इंडिया का कंजप्शन पैटर्न क्या है. देखिए, इंडिया कंज्यूम करता है 211.6 मिलियन टन के आसपास या 200 मिलियन टन्स के से ज़्यादा जो है इंडिया का कंजप्शन है हर साल. लेकिन इंडिया उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस कितना करता है, सिर्फ 35 मिलियन टन्स प्रोड्यूस करता है. तो आप यहाँ पे देख गैप देख पा रहे हैं कि जो कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा है आपके प्रोडक्शन से. तो ये भी एक रीज़न है कि क्यों जो इंडिया में जो फ्यूल के प्राइसेस है बहुत हाई देखने को मिलते हैं. दूसरी बात है, इंडिया के पास इनफ रिजर्व्स नहीं है. ठीक है, इंडिया के पास इनफ रिजर्व्स नहीं है. न्यू जो ऑयल फील्ड्स जो डिस्कवर हो रहे हैं उसको अभी तक अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया गया है. दूसरी बात है, जो इंडिया का जितना भी टोटल ऑयल कंजप्शन है उसका 85% तो वो आयात करता है, इम्पोर्ट करता है. सिर्फ 15% या 15% से कम ही वो प्रोड्यूस कर पाता है. तो ये भी एक रीज़न है इंडिया के जो फ्यूल प्राइसेस के हाई होने का. दूसरी बात है, अगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया बेसिकली ऑयल कहाँ से लेता है. देखिए, इंडिया लेता है ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूएसए, कनाडा. आपको एक बात बता दूं कि आपने बीच में पढ़ा होगा कि जो आपकी जो ईरान है और एक और कंट्री है वेनेजुएला, इन्होंने ऑफर किया था इंडिया को बहुत कम प्राइसेस पे, लेकिन इंडिया ने रिफ्यूज़ किया था बिकॉज क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उन दोनों कंट्रीज पे बेसिकली सैंक्शंस लगाए हुए थे. तो बेसिकली यहाँ पे एक गवर्नमेंट का रोल हो सकता है कि आफ्टर द जो बाइडन इज होल्डिंग द ऑफिस नाउ, सो एक चीज़ ये हो सकती है कि अगर गवर्नमेंट फिर से इन कंट्रीज़ को क्या अप्रोच करे, ओके, इफ़ द सैंक्शंस ऑफ दिस कंट्रीज आर पुल्ड आउट, तो एक यहाँ पे एक अच्छा पॉजिटिव आपको आउटकम देखने को मिल सकता है. क्योंकि इसकी वजह से एक प्राइसेस जो है नीचे जा सकते हैं अगर इंडिया इन दोनों से जो है इम्पोर्ट करता है, बिकॉज दे वर ऑफरिंग द लेस प्राइस. ओके, अब बात करते हैं इंडियन टैक्सेस के बारे में. गवर्नमेंट जो टैक्सेस लगाती है, देखिए पेट्रोल पे दो तरह के प्राइसेस, बेसिकली फ्यूल पे पेट्रोल डीजल पे दो तरह के जो टैक्सेस हैं मोटे मोटे वो लगाए जाते हैं. एक तो एक्साइज ड्यूटी. ओके, एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और वैट जो लगाया जाता है वो है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा. एक बात बता दूं आपको, जो जीएसटी है वो पेट्रोल पे नहीं लगता. ओके, व्हाई, बिकॉज जो है व्हेन जीएसटी वाज इंप्लीमेंटेड तो पेट्रोल और अल्कोहल को इससे बाहर रखा गया था. ओके, दूसरी बात है कि जितना भी प्राइस आप पे करते हैं पेट्रोल के लिए, मान लीजिए आप 100 रुपीज़ पर लीटर, ओके, 100 रुपीज़ पर लीटर आप, जो कि इस समय कई जगह पे हो भी गया है, ओके, तो अगर 100 रुपीज़ पर लीटर में आप पेट्रोल खरीदते हैं, इसका 2/3 तो टैक्सेस ही है. मतलब अगर 100 रुपये का आप पेट्रोल खरीद रहे हैं तो उसमें आपको 60-65 जो उसमें रुपीज़ हैं वो किसके खाते में जाएंगे, केंद्र और राज्य सरकार के खाते में जाएंगे. बेसिकली आप कह सकते हैं टैक्सेस हैं विच इज़ द एक्साइज ड्यूटी एंड वैट, तो विच इज़ वेरी हैवी. ओके, ये बहुत हैवी है. इसको मैं आपका बाकी कंट्री से भी आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि बाकी कंट्रीज में कितना है और बेसिकली इंडिया में कितना है. तो आप ये देख सकते हैं, एक इंडियन आर्टिकल, इंडिया टुडे का आर्टिकल भी दिया हुआ है कि नियरली 2/3 ऑफ द प्राइस
यू पे फॉर पेट्रोल गोज़ टू द सेंटर एंड द स्टेट। तो यहीं बात आके कई लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो सेंटर और स्टेट्स को चाहिए मिलके एक तरह की साथ बैठें और बेसिकली यहाँ पे एक तरह का जो है इक्विलिब्रियम बिठाया जाए या प्राइस को बेसिकली कम किया जाए बाय रिड्यूसिंग देयर टैक्सेस। इवन रिसेंटली RBI ने भी ये एक तरह का एडवाइस किया है केंद्र सरकार को कि जो अब टाइम है आ गया है कि बेसिकली कुछ टैक्सेस को जो है रिलैक्स किया जाए ताकि जो इसका फ़ायदा कंज्यूमर्स को देखने को मिले। तो आप ये भी देख सकते हैं ऑन एन एवरेज, ये एवरेज की बात कर रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट्स कलेक्ट करती है 20 रुपीज पर लीटर, मतलब हर लीटर पे वो 20 रुपए क्या करती है चार्ज करती है। और दूसरी बात अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें दैट लिवाइव अबाउट 33 रुपीज पर लीटर, और ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट पे। फाइन, देखिए अब नेक्स्ट है दैट इज इंडिया हैज हाईएस्ट टैक्स ऑन फ्यूल। और ये बात बता दूं कि इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट टैक्स लेता है, दैट इज 260% ऑन पेट्रोल एंड 256% ऑन डीजल। और वहीं बात करें हम जर्मनी और इटली की विच लेवाइव ओनली 65% ऑफ द टैक्स, वहीं बात करें कि जर्मनी और इटली की वो सिर्फ 65% ही जो फ्यूल पे टैक्सेस लेता है। यूके की बात करें दैट इज 62%, जापान की बात करें दैट इज 45% एंड US की बात करें दैट इज 20%। तो ये कुछ एक शॉर्ट सी वीडियो मैंने बनाई थी, आपको मैंने बताने की कोशिश करी कि क्या इसके बेसिकली टेक्निकल रीजंस हैं, क्यों इसके फ्यूल के प्राइसेस इतने हाई हो रहे हैं और बेसिकली गवर्नमेंट को यहाँ पर क्या करना चाहिए। ओके, सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर विद दिस पॉइंट। सो थैंक you so much, God bless.